any money for this event, huh? By the way, it's done for me. Okay, sir, एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती थी सबसे पहले तो, you know, माइंड फ्रेम में था कि जो म्यूजिक है उसको म्यूजिक की तरह ट्रीट किया जाए, नॉट लाइक ओनली बॉलीवुड सॉन्ग. दैट्स व्हाई दीस मेनी सिंगर्स आर कमिंग अप. एक और बात है इसके पहले, जो मैं रहूं या ना रहूं हो, या फिर अब ये वाला गाना हो यही हूं मैं, दोनों में एक मिस्ट्री पे छोड़ा है. पिछले वाले गाने में पता नहीं चला आखिर लव स्टोरी का क्या हुआ, इस वाले में भी पता नहीं चला आखिर बैंड मेंबर्स कहां गए. सो आपके एक और नया ट्रेंड शुरू कर रहे हैं कि अब गानों के भी सीक्वल आएंगे. So, यही हूँ मैं, part two coming up. I think so, वो करना पड़ेगा जल्दी. जिस तरीके के concept बन रहे, we have to do that only. सर ये याद रखिएगा, ये idea मेरा था, ठीक है? थोड़ी सी royalty. Thank you so much, sir. Please have a seat. All right. इसी के साथ में मैं बुलाना चाहूंगी उस शख्स को जिन्होंने इस वीडियो को इतनी बेहतरीन तरीके से बनाया है, the director of this. Sir. सर, तो ये बताइए सबसे पहले तो कि ये जगह कहाँ थी? It looks like such a picturesque place that we would definitely want to go there. Yeah, this is a place called Chell. It's in Himachal. Oh yes. And it's really, it's sort of about 3 hours from Chandigarh. Very pretty place. And it must be like what, 2 degrees over there or something? Yeah, you can see in that shot, Yami is walking and she's shifting. She's actually really early morning, 6:37. It's really cool. I know about that because I just came back from Chell and I went to Panchkula, something like that, right? Yeah, so people were talking about you there. So actually, जब ऐसी चीजें बन जाती है ना, तुम कमाल की बन जाती है. ज़्यादा मेहनत डाले तो creativity नहीं बचती. You know, everybody around here is wishing that they had a job like you. Yeah, मेहनत क्या होता है? हो जाता है. We're all having fun, yeah. Yes, we are. Thank you so much, sir. Along with this, अभी हम उनको बुलाने वाले हैं जिनका इंतजार आप लोग कर रहे हैं, the handsome, the stunning, the Khurana. Yeah, once again, that. Yeah. Hi, how are you? I'm good. I'm the best. नमस्कार, सर, सलाम. All right. Good afternoon. सबसे पहले तो मैं ये रख करके, नहीं आप खड़े रहिए. ये इसमें मैंने देखा कि आप सिंगर के साथ में डांसर कोरियोग्राफर टाइप के भी थे, तो एक स्टेप है जो कि आप सिखाते हैं, ये मुझे भी सिखाइए ना प्लीज, उसके बाद पूछेंगे हम आपसे. कब आ गया दिल्ली, तमन्ना है मेरी, है ना? ऑलराइट, अपनी सारी तमन्ना यहाँ पूरी कर रहे हैं, गाने की तमन्ना उनसे पूरी करवा रही है, डांस की मेरे से पूरी करवा रही है, क्या चाहती है? बस बस ये तो जरूर चाहती हूँ मैं. ओके आयुष्मान, सो टेल मी व्हाट डू यू लाइक मोर, बिकॉज़ आपने मूवीज किया है, मूवीज में भी आपने ऐसे गाने बनाए हैं जो कि सुपर 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 डुपर हिट रहे हैं, लेकिन ऐसे सिंगल्स बनाना ज्यादा अच्छा लगता है या फिर मूवीज के अंदर वो एक जो गाना होता है? इन फैक्ट सिंगल्स में एक क्वालिटी होती है, एक थॉट की क्लैरिटी होती है. मूवीज में आपको ब्रीफ मिलता है कि आप ये सिचुएशन ऐसा गाना बना दो. सिंगल्स में क्या होता है कि दिमाग में पहले से सिचुएशन होती है, आप एक गाना बना देते हैं. सो आई थिंक इट्स मोर gratifying as an artist, even for the composer, for the director, for conceptualizer, for everybody, in fact, for programmer, har ek ke liye. So I think singles make zyada aapke paas freedom hoti hai and you can just fly with the singles. Wo ek sawal jo sabke dimag mein hai wo ye hai ki aakhir ye singers, ye band members gaye kahan? Kahan gaye? Aise kahan gaye? Ha, mauka mil gayi wadiyon mein. I should answer that. I don't know. In fact, I think concept ke bare mein wo batayenge. But I think ये वही था कि इसके एंड में ओपन एंडेड है. yes. कि वो है या नहीं है, मतलब मैं यही हूँ, मैं वो बोलता है, मैसेज आता है उसे, मे बी द गाय इज देयर, ही इज अलाइव, मे बी शी इज हैप्पी और मे बी शी इज हैलुसिनेटिंग. सो इट्स जस्ट ओपन एंडेड, इट्स लेफ्ट टू द ऑडियंस टू नो. मेबी इट्स एन एलियन अबडक्शन. एग्जैक्टली, मैं बस बोलने वाली हूं. इंटरप्रिटेशन which is very interesting. थोड़ा स्कैरी भी हो सकता है. चल देखा है मैंने, रात में बहुत ज्यादा डरावना हो जाता है, उसमें एक मैसेज ऐसा आना, यही हूं मैं. आई एम लाइक ओह माय गॉड, मैं कहां जा रहा हूं अभी? किसने कहा मैं अकेली गई थी ये बताइए. ऑलराइट, दैट वाज आयुष्मान खुराना. थैंक यू सो मच. विद दिस रोजर कोहली ने ये जो म्यूजिक है इसे कंपोज किया है, एंड आई वाज जस्ट सेइंग दैट यू नो ही इज माय फ्रेंड एंड ही हैज बीन माय मेंटोर ऑफ सॉर्ट्स बिकॉज़ वी यूज्ड टू वर्क टुगेदर इन अ रेडियो स्टेशन. Unfortunately, आज यहाँ पर आए नहीं है because he's making much more awesome music for you, more. In fact, as we speak, he's recording with Farhan Akhtar and Mr. Bachchan. Exactly, for Wazir, yeah. For Wazir, yes. So yeah, let's wait for that one. और वो गाना भी गुरप्रीत ने लिखा? हाँ, गुरप्रीत सैनी ने लिखा वो गाना भी. उसे हम मिलाएंगे. Same team, but yeah. लेकिन इसी के साथ में म्यूजिक प्रोड्यूसर
भरत गोयल जी को जरूर बुलाना चाहूंगी ऑन स्टेज, सो प्लीज कैन वी हैव यू. आई लाइक दैट यू नो एवरी टाइम यू हैव टू डू दैट फॉर अस. All right, please come. We've never had a Marwari composer by a programmer by the way. Bharat Goyal. Oh, kitna aapne paisa bachaya hai. Creativity aur business ek saath mushkil se aati hai lekin ye kamaal hai. So from a baniya to a Marwari, you know, ye sawal hona chahiye na, kitna paisa bachaya hai aapne ye music banate hue. Aik aapke paas hai usme bol raha hoon. Nahi. Haan, usme bhi apne kanjoosi nahi karte hain apan. Main bhi use. Ya fir unko message kar do jo answer hai aapka. Number bhi aapko mil jayega. आपका मेंटोर है. Please, this should be like on television channels, all television channels, yeah? You should see this. Okay, thank you so much, Bharat. And also along with this, let's welcome the team of lyricists, jo unhone bahut integral part play kiya hai, obviously, you know, to get such a beautiful song. Please put your hands together and welcome Gautam Govind Sharma and Gurpreet Saini. By the way, these are my juniors from college. Bade ho gaye hum. Gautam to zyada bada ho gaya. Chaliye. आप दोनों को यहाँ पर हम अलग कर देंगे. तुम्हें विभाजित कर दिया जाता है. तू तो चले जा. गुरु जी से चाहे ड्रेसेस शुड बी टुगेदर, शुड बी ऑन द सेम पेज. अच्छा, एक सवाल जो मेरे दिमाग में हमेशा आता है लिरिसिस्ट्स को लेकर के, वो ये होता है कि जब आप लोग लिख रहे होते हैं तब क्या किसी एक खास इंसान को देख करके सोच करके लिखते हैं आप? इन दैट केस आप लोग की मतलब लव लाइफ मस्ट बी लाइक रियली ब्यूटीफुल एंड ऑल दैट, नो? सो व्हाट इज इट लाइक? दैट्स व्हाट वी एक्सपेक्ट, यू नो. यूजुअली इकट्ठे लिखते हैं. बहुत सारी लड़कियों को सोच के लिखते हैं. जैसे मैं स्पर्म डोनर था, विकी डोनर, ये स्पर्म डोनर है, देखो घुनाले बन है इसको. तो कुछ भी लिरिक्स डोनेट करता है लोगों को, हमें करता है डोनेट. ये बड़ी सही बात है. स्पर्म डोनर, आई मोस्टली फील जब मैं लिखता हूं मुझे बहुत मतलब दुख में जाना पड़ता है मुझे. आई कांट लाइक अदरवाइज आई कांट राइट. उस दिन ब्रेकअप कर लेता है. आज नहीं कर सकते, आज लिखना है मुझे. तो उस दिन के लिए ये स्पर्म डोनर से सिर्फ स्पर्म डोनर हो जाता है. Okay, before this goes into content, जो कि सिर्फ 11 बजे के बाद हम बजा सके, let's move. In fact, नहीं नहीं, आप बताओ मैं कुछ बोल रहे थे. Yes, please. Nothing but the experience of writing singles, जो हमारी टीम है, आयुष्मान भाई, रोचक भाई, गौती, गौतम, सॉरी गौती बुलाते हैं इनको. एंड तो मतलब ये गाना हमें भी बहुत ज़्यादा पसंद है. वो मैं ये कहना चाहता हूँ, वो इसलिए अच्छा लगता है सबको भी, शायद इसलिए अच्छा लगता है बिकॉज हम लोगों ने बहुत, द जर्नी इज वेरी लॉन्ग, हम इकट्ठे बहुत रहे हैं. तो वो जो कोलैबोरेशन है वो उसमें करने में बहुत मज़ा आता है. वो शायद वो अच्छी भी नहीं लगे, दैट इज व्हाई आई थिंक. How old are you, please? 27. जब तूने मिट्टी थी कुछ भी लिखा था गौतम के साथ, कितने साल का था? 25? इतना deep गाना. इतने breakups हो गए, इतनी से 25 साल की उम्र में. And usually, you know, people say that, usually people say you're very lucky, you love what you do, and more than that, it's like I do what I love with the people I love. वो एक और भी बड़ी बात है. The best. And इन सब को, जो पूरी टीम है जिनके साथ मैं काम करता आ रहा हूँ, इनको यही बोलूंगा जब भी मेरी जरूरत हो तो यही हूँ मैं. कितनी गोलू मोलू से क्यूट सी बात करती तूने अपनी तरह. अच्छा, एक चीज जो मैं पूछना चाहती थी वो ये थी कि इसमें जो विस्लिंग है.